हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपका अपने यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेज में स्वागत है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा नाम कन्हैयालाल है और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेज में आपके लिए कंपटीशन के लिए, जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस के वीडियोज में अभी अपलोड करने वाला हूँ। और आप है ना, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो एक बार जरूर देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स? और अपने फ्रेंड्स को बताएं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपके लिए फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले चर्चा करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स में अपना सबसे पहला टॉपिक चलेगा भौतिक राशियां। फिजिक्स फ्रेंड्स, फिजिक्स में अपना सबसे पहला टॉपिक है भौतिक राशियां। देखिए फ्रेंड्स, भौतिक राशियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार की होती है अदिश भौतिक राशियां और दूसरी होती है सदिश भौतिक राशियां। फ्रेंड्स, अदिश भौतिक राशियां वो भौतिक राशियां होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और सदिश भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एंड परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस पर चर्चा करते हैं। पहली प्रकार की, ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है अदिश भौतिक राशियां और दूसरी होती है सदिश। फ्रेंड्स देखिए, अदिश भौतिक राशियां कौन सी होती है? पहली अदिश भौतिक राशियां। फ्रेंड्स, आपसे कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि अदिश राशियां कौन सी होती है, सदिश राशियां कौन सी होती है, या इनकी डेफिनेशन बताओ। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल सदिश भौतिक राशि का है या अदिश भौतिक राशि का है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सीधा याद रखना है, अदिश भौतिक राशियां वे होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल केवल परिमाण की आवश्यकता होगी। परिमाण की आवश्यकता होगी, इन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि इसके नाम में भी आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, अदिश यानी दिशा की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो उसके लिए मैंने मेहनत करके आपके लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक बनाई है जो आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। और यह ट्रिक ऐसी है फ्रेंड्स जिसमें कि आपको सभी प्रकार की अदिश भौतिक राशियां पता चल जाएगी। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल्स के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक का नाम है, मेरे साथ पढ़िए आप, उस आर्द्रता को चाबी दो। लघु कोवा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बहुत ही मजेदार ट्रिक बनाई है, उस आर्द्रता को चाबी दो लघु कोवा। इस छोटी सी ट्रिक में आपके लिए सभी प्रकार के अदिश भौतिक राशियों के एग्जांपल्स आ चुके हैं। अब हम वन बाय वन सभी एग्जांपल्स पे बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उससे बनेगा अपना ऊर्जा। ऊर्जा एक प्रकार की अदिश भौतिक राशि है। इसके बाद में है समय, समय भी अपनी अदिश भौतिक राशि है। उसके बाद में आ से बनेगा आयतन, द्रव्यमान, ताप या तापमान, एक ही बात है फ्रेंड्स। इससे बनेगा चाल, इससे बनेगा विद्युत धारा, विद्युत धारा। देखिए फ्रेंड्स, इससे बनेगा दाब, तो दाब या एक प्रकार की अदिश भौतिक राशि होती है। लंबाई, इससे बनेगा फ्रेंड्स घनत्व, उससे बनेगा ऊष्मा, इससे बनेगा कार्य और इससे बनेगा आवर्ती। तो देखिए फ्रेंड्स,
इस ट्रिक में आपके लिए सभी प्रकार की अध्यक्ष भौतिक राशियां आ चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। उस आर्द्रता को चाबी दो लघु कोवा, इस ट्रिक में सभी प्रकार की अध्यक्ष भौतिक राशियां आ चुकी है, तो आपको अलग से कोई भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके अलावा कोई भी आपको भौतिक राशि दी गई है एग्जाम्पल में, तो आप बता सकते हो कि वो सदिश होगी, और अगर इनमें से पूछा है तो वो अदिश होगी और वो सदिश होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चल रहे हैं सदिश भौतिक राशि की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हम सदिश भौतिक राशि पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सदिश भौतिक राशियां, देखिए फ्रेंड्स मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, सदिश भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा एंड परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसमें दिशा की आवश्यकता भी होगी एंड इसमें परिमाण की आवश्यकता भी होगी, इसमें दोनों की आवश्यकता होगी। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सदिश भौतिक राशि के एग्जांपल, वेग है, विस्थापन है, संवेग है, आवेग है, बल है, बलागुण है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ईटीसी। फ्रेंड्स, इनको भी आप अगर याद करना चाहो तो आसानी से याद कर सकते हो। देखिए, वेग है तो विस्थापन हो भी है, विस्थापन हो गया तो संवेग है, संवेग के साथ आवेग हो गया। देखिए फ्रेंड्स, वेग, विस्थापन, संवेग और आवेग चारों एक से लग रही है, इनको ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद में बल एंड बलागुण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये किसके एग्जाम्पल्स है? सदिश भौतिक राशियों के। हमने आज चर्चा के लिए भौतिक राशियों में, भौतिक राशियां होती है दो प्रकार की, अदिश भौतिक राशियां एंड सदिश भौतिक राशियां। तो देखिए फ्रेंड्स, अदिश भौतिक राशि के बारे में आपको बता चुका, और इसके लिए मैंने आपके लिए एक अच्छी और मजेदार ट्रिक भी बनाई है। उस आद्यता को चाबी दो लघु कोवा, तो उसमें सभी प्रकार की अदिश भौतिक राशियां आ चुकी है, और ये मैंने आपको बताया सदिश राशियों के बारे में। अब फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और अपने फ्रेंड्स को बताइए। और अगर आप मेरा सपोर्ट करते हो तो मैं इससे भी अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा, और सप्ताह में आपके लिए 2 दिन क्लास चलेगी, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आपके लिए साइंस, मैथ एंड करंट अफेयर्स के लिए भी क्लास लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।